जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव एवं जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। सावन के मास में भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सभी तरह के विघ्नों का नाश करके उनके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। भोलेनाथ शिव शंभू का अंश रूप हनुमान अवतार की इस कहानी को मंगलवार के दिन जो भक्त बहुत ही श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ सुनते हैं, उनके जीवन में विघ्नों का नाश होता है, मनुष्यों को सभी तरह के सुख और लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कलयुग में साक्षात हनुमान जी अवतार अभी भी हैं और मनुष्यों के कामना मात्र से उन्हें मनवांछित फलों को प्रदान कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, हनुमान जी का एक मंत्र आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसे यदि आप प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी के समक्ष बोल देते हैं तो हर तरह के दुखों का नाश हो जाता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्त का भाव हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जिससे जीवन में उसे कभी अहंकार नहीं आए, क्योंकि जिसे अहंकार आ जाता है उसका सर्वत्र विनाश हो जाता है, ऐसा स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, हर तरह के अवगुणों से दूर रहते हुए भक्ति भाव के साथ आज की ये कहानी आप जरूर सुनिए। इसे सुनने से आपका उद्धार होगा और मंगलवार के दिन दोस्तों यह कथा विशेष रूप से फलदायी है। इसलिए दोस्तों, इस कथा को शुरू करें सबसे पहले आप नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी, जिससे आपसे कोई भूल चूक ना हो। और आज का वीडियो जब आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों हनुमान अवतार की ये कहानी सुनने वालों का कल्याण होता है और जन्म जन्म के पापों का नाश होकर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा में बताया गया है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। शंकर सुवन यानी शंकर जी का अंश अवतार रूप केसरी पुत्र राम जी के कार्यों के लिए विद्यावान हैं, गुणी हैं, चातुर हैं, सर्वत्र रूप से समर्पित हैं, जिससे कि राम कार्य की सिद्धि हो जाए। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु और महेश की लीला के अनुरूप इस जगत के कल्याण के लिए भगवान राम ने जब पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया, उसी समय भगवान भोलेनाथ शिव शंभू के अंश अवतार रूप हनुमान का भी प्रादुर्भाव हुआ। इसकी एक अद्भुत लीला है जो मैं आपको अब सुनाने वाली हूँ, इसलिए अपने हाथ जोड़ लीजिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। एक समय भगवान श्रीहरि विष्णु के मोहिनी रूप के दर्शन प्राप्त करते समय कामदेव के बाण से आहत होकर परमेश्वर भोलेनाथ शिव शंभू ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपने वीर का पात करा। तब सप्त ऋषियों ने वीर को पत्रपुट में स्थापित करा और राम कार्य की सिद्धि के लिए इसे गौतम कन्या अंजनी जी के कान के रास्ते उनके गर्भ में स्थापित किया। शुभ समय आने पर शंभु का महान बल पराक्रम से संपन्न उन्होंने वानर शरीर धारण करके जन्म लिया और महाबली शिशु बहुत ही अद्भुत प्रतिभावान था, इसलिए एक समय उन्होंने सूर्य को देख के उसके बिंब की तरफ आकर्षित हो उसे अपने मुँह में रख लिया। तब सभी देवी देवता सृष्टि के अंधकार से भयभीत हो गए। इस पर इंद्र ने हनुमान जी के ठुड्डी पे प्रहार करा, जिसके कारण उनका नाम हनुमान हुआ। इस तरह के भगवान हनुमान जी को साक्षात प्रणाम करते हुए आपको उनका वंदन करना चाहिए। माता अंजनी और अपने पिता के आशीर्वाद से उन्होंने सूर्य भगवान से कई तरह का ज्ञान ग्रहण करा एवं समस्त देवी देवताओं ने भी भगवान हनुमान को कई तरह के आशीर्वाद और शक्तियों को प्रदान किया। इस तरह के हनुमत देव को सदैव प्रणाम करना चाहिए, जो एक अद्भुत राम भक्त हैं, सदैव राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की शक्ति से अब आप सभी परिचित हैं, किस प्रकार परम परमेश्वर का अंश रूप हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए साक्षात शिव के अंश रूप अवतार को हमें नमन करना चाहिए। हनुमान भक्तों को सावन के महीने में सुबह जल्दी उठ के हनुमान जी का पूजन अर्चन करना चाहिए, साथ ही साथ भोलेनाथ भगवान का भी जयकारा लगाना चाहिए। सुबह के समय जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, साथ ही साथ हनुमान जी महाराज का भी ध्यान करें। हनुमान जी का मंत्र जो आपको पूरे दिन भर बोल सकते हैं, जिससे कि आपकी कैसी भी परेशानी दूर हो जाएगी, अब वो मैं आपको बता देती हूँ। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा मंत्र है, परंतु यह जांचा परखा चौपाई है, जिसे कहने मात्र से किसी भी तरह का संकट आपके जीवन
में यदि चल रहा है वो अवश्य दूर हो जाएगा। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी जो भी भक्त उन्हें शुद्ध भक्ति भाव के साथ याद करता है उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य करते हैं और उसके सभी तरह के विघ्न बाधाओं का नाश कर लेते हैं। सभी हनुमान भक्तों को प्रत्येक मंगलवार के दिन पे सुबह जल्दी उठना चाहिए और हनुमान जी का मन ही मन स्मरण करते हुए अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर अपनी पूजा के मंदिर में जाना चाहिए। आपको हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का और सिंदूर का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। कई बार लड़कियां यह प्रश्न करती हैं, हम हनुमान जी को नहीं छू सकते तो कैसे पूजन करें? कुछ नहीं, आपको सिर्फ उन्हें छूना नहीं है, तो आप उनके सामने की तरफ जो दीपक जल रहा है वहीं पर उनके लिए थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर दें। भगवान भक्तों की हर तरह की मनोकामना को सुन लेते हैं और उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं उन्हें अवश्य पूरा करते हैं। इस तरह से शुद्ध भक्तिभाव के साथ हनुमान जी का पूजन करें, चमेली के तेल का दिया जलाएं। यदि दोस्तों आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर का लेप बनाएं, इसे सबसे पहले हनुमान जी के चरणों पर अर्पित करें। उसके बाद हनुमान जी के मस्तक पर अर्पित करते हुए आपको उनके नामों का जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप हनुमान जी का पूजन या किसी भी देवी देवता का पूजन करें उस वक्त में आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए। निरंतर हनुमान जी का ओम हं हनुमंताय नमः, ओम हं हनुमंताय नमः, इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आपको पूजन करना चाहिए, जिससे कि भगवान में असली तरह से आपका बिल्कुल मन लग जाए, हर तरह की आपकी जो कामनाएं हैं वो शांत हो जाएं। क्षणभर भी यदि दोस्तों आप अपने सुबह के पूजा पाठ में भगवान का ध्यान कर लेते हैं तो उस दिन आपके सभी काम बनने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से हर तरह के बिगड़े काम बनने लगते हैं। जिन लोगों को कर्जा देने के बाद वापस नहीं मिल रहा है वो भी वापस मिलने लगता है। जो लोग गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं उनके जीवन में धन सुख सौभाग्य की कभी कमी नहीं रहती। बड़े से बड़े संकट दोस्तों हनुमान जी का नाम लेके दूर हो जाते हैं। जो लोग हनुमान जी का 100 बार यानी 100 बार पाठ करते हैं जीवन में किसी तरह के बंधन नहीं होते, स्वयं उन्हें भगवान के शरण की प्राप्ति होती है। इस तरह से भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए सावन में आपको उन्हें मना लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस कथा को सुनिए और अपने परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए, जिससे जीवन में आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, सौभाग्य सिर्फ धन और रुपए पैसे से नहीं आता, आपको हमेशा अपने अहम के भाव को त्याग के अपने मन को पवित्र करके जो भी आपके पास है उसे भगवान के चरणों में समर्पित करके केवल प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। यदि आप बहुत ही ज़्यादा लोलुपता और विषयों में फंसे रहेंगे तो ये जन्म जो आपको अपना कल्याण करने के लिए मिला है ये व्यर्थ हो जाएगा। भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी और ना ही इस जन्म में आपकी मुक्ति होगी। इसलिए दोस्तों, विषयों से अपने आप को दूर करते हुए हर तरह के कुकृत्य से अपने आप को दूर करिए, किसी भी तरह के पाप मत करिए। दोस्तों, हम ये जो व्रत त्यौहार मनाते हैं इनका मेन जो रीज़न है वो यही है, जो हम नित्य प्रतिदिन में पाप करते रहते हैं, जो हम वाचिक पाप करते हैं उनसे हमें मुक्ति मिले, जो हम कायिक पाप करते हैं उनसे हमें मुक्ति मिले। इसलिए जब व्रत करा जाता है उसमें अन्न नहीं खाया जाता। जिस तरह हमारी शरीर के द्वारा यदि कभी कोई पाप हो जाता है तो उससे हमें तभी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जो लोग भगवान का भजन करते हैं उन्हें ये सब बातें पहले से पता होती हैं। वह नित्य प्रतिदिन अपने ईश्वर का स्मरण करके ही जो भी कर्म करते हैं वो प्रसाद स्वरूप करते हैं और उससे फल की इच्छा भी नहीं रखते। परंतु यदि दोस्तों आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो मैं यही बोलूँगी, कोई भी आपके चाहे माँ पिताजी या भाई वो आपकी सहायता ना भी करेंगे तो आपके परम परमेश्वर परम पिता भोलेनाथ शिव शंभू और हनुमान जी महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, सच्चे भक्ति के साथ यदि आप उनसे वहाँ पे बैठ के पूजा अर्चन करते हैं और ध्यान लगाते हैं, भगवान के ऊपर आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो ज़रूर आपकी जो भी परेशानी है वो इन शब्दों को कहने के साथ धीरे धीरे दूर हो जाएगी। भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह से आप बड़ी से बड़ी परेशानी दूर कर पाएं। दोस्तों, जिसके भी मन में भगवान के नाम की ज्योत जलती है, दिया जलता है, वहाँ कभी अंधकार नहीं होता। इस तरह से भक्तिभाव के साथ मंगलवार के दिन इस कथा को सुनिए, भगवान के अंदर विश्वास पैदा करिए और भगवान की भक्ति करिए। नीता विक्रम चैनल पे आके दोस्तों आपने जिस तरह से ये पूरी कहानी पूरी बात को सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों, मेरा एक नया चैनल है नीता विक्रम फैमिली चैनल, उस पर जाइए, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वहाँ घर से संबंधित घर की जो
जरूरी बातें हैं उनसे संबंधित कई तरह की जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। इसलिए आप मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। जय माता रानी दोस्तों, आपका कल्याण हो, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।